श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इन दिनों बहुत बखलाहट, बहुत घबराहट और कुछ भी बोलते भुट्टो को कुट्टो का नारा लगा करके हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को तार तार चुनाव आयोग के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसकी शिकायत करने जा रही है। शांतिपूर्वक चुनाव हिमाचल प्रदेश में संपन्न ना हो इस दृष्टि से मुख्यमंत्री जी का ये बयान है। जनमानस को उकसाया जा सकता। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इन दिनों बहुत बौखलाहट, बहुत घबराहट और कुछ भी बोलते पूरी तरह से उन्होंने भुट्टो को कुट्टो का नारा लगा करके हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को तार तार किया है। चुनाव आयोग के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसकी शिकायत करने जा रही है। शांतिपूर्वक चुनाव हिमाचल प्रदेश में संपन्न ना हो इस दृष्टि से मुख्यमंत्री जी का ये बयान है। कैसे और जनमानस को उकसाया जा सकता है, कैसे वातावरण को खराब किया जा सकता है और उस खराब वातावरण के अंदर लोगों को वोट के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कांग्रेस की वर्तमान सरकार जिस बुरी तरह से फेल हुई है, एक भी उपलब्धि लेकर के ये जनता में जा नहीं सकते हैं। एक भी उपलब्धि डेढ़ साल के अंदर प्रदेश के एक भी व्यक्ति का काम इन्होंने किया हो, नौकरियों का संस्थान बंद कर दिया, डेढ़ साल में एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी। हाँ, 12-14 कैबिनेट रैंक के बंदे जरूर बनाए और आज आपके पास जब बोलने को कुछ नहीं है तो सरकार दादागिरी के ऊपर उतारू हो गई है, इसलिए हिमाचल की जनता इनको रिजेक्ट करने जा रही है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी वर्तमान प्रदेश की सरकार दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। डेढ़ साल बिता दिया केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हुए। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी। आज 34 वर्ष के बाद पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी ये संकल्प लेती है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले जीतेगी और अपने समझौते में 400 सीटें जीत करके नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और ये जो तीसरा टर्म है ये भारत के संपूर्ण उत्थान का, विकास का, युवाओं के, महिलाओं के विकास का टर्म होगा। आज स्थापना दिवस के ऊपर हिमाचल के 7,800 पोलिंग बूथों के ऊपर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे देश में स्थापना दिवस के कार्यक्रम चल रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।